आज हम बनाएंगे एक कटोरी साबुदाना से बहुत ही टेस्टी हेल्दी स्नैक्स रेसिपी, जिसे आप व्रत हो या आगे पीछे कभी भी खाने का मन करे तो झटपट बनाएगा। बहुत ही टेस्टी ये साबुदाने का स्नैक्स नाश्ता होता है। तो फ्रेंड, अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत ही टेस्टी और ये हेल्दी होता है। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते, हम अपनी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे आधे बाउल मैंने यहाँ पे साबुदाना लिया था, ठीक बाउल देख लीजिए। भीगने के बाद एक बाउल हो चुका है, मैंने इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था। आप चाहो तो, अगर टाइम ना हो तो 2-3 घंटे में भी ये भीग जाते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये भीग चुके हैं। देखिए पूरा दाना अच्छे से मसल रहा है, यानी कि घुल गया है बहुत अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसमें हम सारा साबुदाना डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम 2 ग्रेट किए हुए आलू। आप चाहो तो आलू को मैश करके भी डाल सकते हो। इससे क्या होगा, हमारे साबुदाना में बाइंडिंग आएगी, बहुत ही टेस्टी नाश्ता ये होगा। और इसमें डालेंगे हम जीरा, साथ में डालेंगे हम सेंधा नमक, व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हरी मिर्ची और अदरक कस के मैं डाल रही हूँ। अगर इसमें से व्रत के आपके वहाँ कोई नहीं खाया जाता है तो आप वो स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मूंगफली का पेस्ट, ये तो सभी जगह खाया जाता है, मूंगफली तो व्रत में खाई ही जाती है, तो इसको डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में फ्रेश हरा धनिया, अगर धनिया भी नहीं खाते हैं आपके वहाँ तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो इन्हें बहुत अच्छे से मिला लेंगे। और अगर आप व्रत में नहीं बना रहे हो तो यहाँ पे आप जो और मसाला खाना पसंद करोगे वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो इसका एक डो तैयार हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, एक हमने गुजिया मेकर लिया है, साथ में हम एक पन्नी ले लेंगे, कोई भी ऐसी कोई पन्नी हो रफ़ वाली तो आप ले लीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा पन्नी में हम ऑयल लगा लेंगे हल्का सा। तो अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हमने साबुदाना आलू का डो ले लेना है, उससे पहले हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये हाथों में चिपके नहीं। अगर आपको लगे कि आपका डो तो अच्छे से नहीं बट रहा है तो आप यहाँ पे आलू भी एक्स्ट्रा इसमें मैश कर सकते हो। तो डो बनाते हुए हम इसे हाथों में चपटा लेंगे, यानी कि हाथों में फैला लेंगे। उसके बाद हम जो गुजिया मेकर लिया है उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे, थोड़ा सा अच्छे से दबा लेंगे क्योंकि ऑयल लगाया है ना, बहुत इजीली ये निकल जाएगा। बस दबाते हुए इस तरह से हम इसे बना लेंगे, तो इसका एक्स्ट्रा जो भी इसका मसाला होगा वो निकल जाएगा बाहर। तो ये देखिए हमारा साबुदाने का कितना टेस्टी और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, गुजिया मेकर से बनाया है, एक अलग तरीके का नाश्ता है। तो सारा बनके तैयार हो गया है, हमने सारे बना लिए, आप भी ठीक इसी तरीके से सारे बना लीजिएगा। बहुत ही इजी ये होता है, पर बनाने से पहले एक पॉली ज़रूर लगाएगा और उसमें ऑयल ज़रूर लगाएगा। तो तेल गर्म करने के लिए हमने रख दिया था, तो अब हम इसमें सारे एक एक यहाँ पर साबुदाने का नाश्ता डालेंगे और इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इन्हें फ्राई करना है थोड़ा, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो हमको हल्के हाथों से ही हमने इन्हें पलटना है, इतने मतलब ज़्यादा ज़ोर से नहीं पलटना, नहीं तो ये टूट सकते हैं। वैसे फ्रेंड, मैंने इनको गुजिया का शेप दिया है और आप चाहो तो इन्हें टिकिया का भी शेप दे सकते हो। तो फ्रेंड, अगर आपको मैं एक चीज़ याद दिला दूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ज़रूर याद रखिएगा। इससे क्या होगा, मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप मेरी टेस्टी टेस्टी रेसिपी का आनंद ले सकते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इनको तलते तलते 5 से 7 मिनट हो गए हैं, बस अलटते पलटते रहना है जब तक इनका गोल्डन कलर ना आ जाए। लो फ्लेम पे इसलिए बोला है, ये बाहर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से पक जाएंगे। तो जब ये इस तरह से गोल्डन कलर हो जाएंगे ना, तब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे झटपट व्रत स्पेशल साबुदाने का स्पेशल स्नैक्स नाश्ता तैयार हो गया है। देखिए देखने में ही कितना प्यारा लग रहा है, एकदम गुजिया शेप देखे ना, बहुत ही नाश्ते को एक बहुत ही अच्छा सा लुक मिला है।
और ये खाने में भी बेहद टेस्टी होता है। देखिए इसके टेक्सचर से आपको पता चल जाएगा कि बाहर से ये क्रिस्पी है और अंदर से कितना सॉफ्ट है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये रेसिपी है, आप जरूर बनाएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। और फ्रेंड अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा, और बहुत ही अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।